सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों। और आज हम लोग जाने वाले हैं MRJ शुभम बाइक एजेंसी पर दोस्तों, बाइक को सर्विसिंग कराने दोस्तों। और अभी देख सकते हैं सनराइज कितना तेज हुआ है और रोड पूरा खाली खाली है, देख सकते हैं, क्योंकि धूप ही इतना तेज हुआ तो कोई क्या करे, कहाँ कोई दिखाई देगा। तो अभी हम लोग देखिए चश्मा वगैरह लगा करके अब हम लोग निकल चुके हैं बेलवा सीढ़ी की तरफ। और बेलवा चौराहे पर पहुँचने से पहले रास्ते में एक नहर पड़ती है जो अभी आप लोग को दिख रहा होगा। फाइनली हम लोग हाईवे पर पहुँच गए हैं और यहाँ से अब शिकारपुर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। और लगभग 2-3 मिनट में हम लोग शिकारपुर पहुंच जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना है, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चश्मा लगा लिए हैं और बाइक को हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं। और रास्ते में देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कार और एक ट्रक में एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी बॉडी जो वहीं पर पड़ी हुई है। साथ में देख सकते हैं SP अकेडमी स्कूल है जो काफ़ी खूबसूरत, अब धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस हो चुके हैं। और ये है गणेश मैरिज हॉल जो शिकारपुर के नियर बाई में पड़ता है दोस्तों, घूली वाले रोड पर दोस्तों। तो फाइनली देख सकते हैं अभी हम लोग शिकारपुर पहुंच गए हैं। शिकारपुर का माहौल देख सकते हैं, लगभग 12:30 PM हो रहा है और इस वक्त माहौल जो है थोड़ा सा कम था, मतलब क्राउड पीपल कम था, इसलिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ था दोस्तों। फाइनली हम लोग ओल्ड जो पुराना शिकारपुर है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, MRJ की तरफ। और ये देखिए अभी देख सकते हैं जो अरोमा गार्डन जो अभी देख रहा है पार्क, ये लगभग 80% तक कम्प्लीट हो चुका है और लगभग आने वाले 25 तक ये पूरा पूर्ण रूप से कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। आइए अब आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं मारुति सुजुकी एजेंसी जो महाराजगंज में पहले नहीं था लेकिन अब अवेलेबल हो चुका है, अब आप लोगों को गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये रहा एक फंटास्टिक एजेंसी मारुति सुजुकी का। सो फाइनली देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच गए हैं शुभम ऑटो बाइक एजेंसी पर दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग का बाइक जो था ऑलरेडी हम लोग एक दिन पहले ही बुक करा दिए थे सर्विस के लिए, लेकिन बुक नहीं हुआ तो यहाँ पर हमने मैम से बात किया। उसके बाद से बात करने के बाद से उन्होंने बताया कि अभी बुक नहीं हुआ, लेकिन चलिए हम लोग बुक करा देते हैं दोस्तों। अंदर आने के बाद ऑफिस में देख सकते हैं ऑफिस का माहौल जो सराउंडिंग ऐसा कुछ है, यहाँ पर कई डिफरेंट टाइप्स के बाइक यहाँ पर स्टैंड किए गए थे। वैसे जो आपको पसंद आए कॉमेंट में जरूर बताएगा। तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा बाइक ये लगा जो हायाभूसा जो निंजा की तरह लगता है और ये करिश्मा है R115 जैसा लग रहा था, तो ये लोग जो बाइक है काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फाइनली देख सकते हैं अब यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और अब हम लोग चले जा रहे हैं। ये जो अभी लेफ्ट साइड की तरफ देख रहे हैं ये जितने भी बाइक्स रखे गए हैं सारे न्यू बाइक्स हैं, जिसको भी अगर ख़रीदना है तो यहाँ पर स्टैंड करके रखा जाता है, जो भी आए देख ले उसके बाद से तो जिस जो पसंद आए जो कलर वो ले सकता है। तो फाइनली अभी हम लोग सर्विस सेंटर की तरफ पहुँच रहे हैं और अभी देखिए यहाँ पर कितना सारा बाइक स्टैंड करके रखा गया है। आगे भी चलिए देखते हैं, आपको दिखा रहे हैं सर्विस सेंटर का कैसा माहौल है दोस्तों। सो फाइनली देख सकते हैं हम लोग सर्विस सेंटर में आ जाएगा और ये सब गाड़ी जो रखी हुई है सारे क्लेम पर रखी गए। और यहाँ पर सर्विस सेंटर का जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर 6 स्टैंड रखा गया है जिसमें बाइक को स्टैंड करके सर्विस किया जाता है। तो अभी हम लोग स्टे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का बाइक जो था कल ही हम लोग बुक कर दिए, लेकिन बुक ना होने की वजह से हम लोग को 4:30 बजे तक वेटिंग करने को मिल गया दोस्तों। तो फाइनली अभी क्या करें, हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिश हो रहा है और अंदर जो है सर्विस के काम जारी है। यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं ये सब लोग अपना गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए ही आए हैं। तो फाइनली हम लोग बैठे बैठे देख रहे थे कि अब टाइम तो ज़्यादा लग गया, तो फिर हम लोग निकल गए रस पीने के लिए, गन्ने का रस। तो अभी हम लोग चलते हैं, गन्ने का रस पीते हैं और आपको भी पिलाते हैं दोस्तों। तो अभी चलिए बस पहुँचने वाले हैं। सो ऐसा कुछ माहौल है शुभम ऑटोमोबाइल्स यानी एजेंसी का जो अभी। तो फाइनली देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच गए हैं गन्ने वाले शॉप पर दोस्तों। यहाँ पर भैया जो देखिए गन्ने को निकाल रहे हैं और पिरने जा रहे हैं। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर हम लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा रस यानी सूप देने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए रस तैयार है दोस्तों गन्ने का और अभी हम लोग पीने जा रहे हैं। सो पीने के बाद से थोड़ा सा थर्स्टी यानी जो प्यास थी वो बुझ गई क्योंकि अब थोड़ा सा प्यास लग रही थी। और यहाँ पर देखिए ये जो भाई साहब हैं ये बैठे बैठे ही सो गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सोचा है कि आपको भी दिखा दूँ क्योंकि यही जो हैंडल करते हैं जितने भी बाइक होती है उनको सर्विसिंग करना है या फिर जो भी सर्विस होने के बाद से बाइक जो है जो आउट एजेंसी से जाना है उनके लिए स्लिप जो वगैरह जो भी है वो सब यही देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी लोगों का सर्विस करना बाइक को यहाँ पर हो रहा है और हम लोग बैठे बैठे थक गए थे, अभी हम लोग का नंबर आ गया तो अभी हम उठ करके बाहर जा रहे हैं। तो फाइनली देख सकते हैं बाइक जो है यहाँ पर स्टैंड कर दिया गया है और सर्विस होने के बाद से अब यहाँ पर भैया जो है मिस्त्री साहब इसको लेके जा रहे हैं बाहर ड्राइव करने के लिए। ड्राइव करने के बाद से अब यहाँ पर इसको हवा चेक किया जाएगा, हवा चेक करने के बाद से हवा कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पर देखिए पॉलिश होने जा रहा है। तो यहाँ पर फाइनली समथिंग पॉलिश जो है गाड़ी का हो चुका है। यहाँ पर भैया देखिए अच्छे से इसको पॉलिश कर रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभी आपको भैया का जो फेस रिएक्शन है देख सकते हैं अभी कितना खास है, जो भी देखिए कितना ध्यानपूर्वक बाइक को क्लीन कर रहे हैं, देखिए कितना देख रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके देख रहे हैं। तो फाइनली देख सकते हैं हम लोग का बाइक जो है रेडी हो चुका है सर्विस होने के बाद से दोस्तों। आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।